Dear students, the chapter which we will discuss today is Tiger King by Kalki. This story is a satire on those who are in power. Most of the rulers who are not interested in serving the people and do not work for the welfare of the people, they spend time in foolish pursuits. Just as in this story, Tiger King, who was in power, started hunting tigers as he comes to know that astrologer has foretold about him that he has to be beware of the tigers, which will be the reason for his death. So he started hunting the tigers. He takes an oath to kill 100 tigers, and as soon as he killed 70 tigers in his own state, then he got married with a girl of another royal family and killed 99 tigers. The 100th tiger was not killed, and at last the wooden tiger which he bought for his son's birthday killed him. इस स्टोरी में ऑथर उन लोगों के बारे में बता रहा है जो पावर में होते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एक प्रतिबंधपुरम का राजा था जिसको टाइगर किंग का नाम दिया गया था। उसको जब ये पता चला कि जब वो छोटा था उस टाइम पर उसके पेरेंट्स ने एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उसकी डेथ एक टाइगर के ज़रिए होगी, तो उस राजा ने अपना सब काम छोड़कर ये फैसला लिया कि पहले वो अपने बचाव में 100 टाइगर्स का शिकार करेगा और उसके बाद ही अपने राजमहल में काम देखेगा। उसने टाइगर का शिकार शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारे टाइगर्स मारे गए। ऐसा करते करते उसने 70 टाइगर्स मार दिए थे और उसके बाद जो 30 टाइगर बचे थे उनको उसने एक रॉयल स्टेट की लड़की से शादी कर ली और उसके बाद 99 इस तरह से उसने टाइगर्स मार दिए। फिर भी वहाँ पर एक टाइगर बचा जो कि 100वां पूरा करने के लिए, लेकिन राजा ने जब उस 100वें टाइगर की तलाश की और वो टाइगर मिल गया तो उस राजा ने निशाना जब लगा करके उस पर गोली चलाई तो उसका निशाना चूक गया और वो 100 टाइगर्स नहीं मार सका। और वो ये समझ कर राजमहल लौट आया कि उसने 100 टाइगर्स मार दिए हैं। कुछ दिन बाद राजा के बेटे का बर्थडे था तो वो गिफ्ट लेने के लिए अपने बच्चे के लिए एक लकड़ी का टाइगर खरीद कर लाया जो कि एक खिलौना था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो उसके हाथ में टाइगर के खिलौने से चोट लग जाती है जिससे उसके हाथ में सेप्टिक फैल जाता है और कुछ दिनों के बाद उसके हाथ में वो पॉइजन फैल जाने से उसका ऑपरेशन की नौबत आ जाती है और ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह टाइगर ने अपना बदला ले लिया। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वी गेट द मैसेज वन शुड लुक टू परफॉर्म हिज और हर ओन ड्यूटी एंड विल इन्वॉल्व इन अदर यूजलेस मोटिव्स ओनली देन दे विल गेट द सक्सेस। So students, this is all about this lesson. Thank you so much. Have a nice day.